एक बात सुनिए, एक उनका आका आंसू, 80 करोड़ जनता उनके किसान उनके पीछे हैं, और जिस टाइम पे उन्होंने ये कही एक मुझे पानी आवे, हम सबसे पहला रात के टाइम में पानी लेकर, और हमने जो ये कही चौधरी साहब पहले आप गांव का पानी पीवेंगे, और के नाम आज एक और कर दिया, आज एक काम और नया कर दिया है, यहाँ हमारा पानी का बोरिंग भी हो रहा है और समर सेविल लग रहा है, और समर सेविल हम अपना करके पानी पीवेंगे, और इस निकम्मी और भद्दी सरकार को ये दिखा देंगे ए तजा हम प्यास से तो मारे हैं, और आने वाले समय में हम तुझे 2022 के चुनाव में हम तुझे हराने का भी काम करेंगे। और एक और काम करा है भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता, ये सरकार आनी जानी है, ये सरकार किसी की दादालाई जागीर नहीं है, जो रात उन्होंने हंगामा करा है ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, उन लोगों को डूब का मर जाना चाहिए, वे किसान बिरादरी के आदमी नहीं है, ऐसे आदमी समाज के नहीं है, वे जो गुंडे हैं और जो गुंडे का कार्य करते हैं, ये किसानों को बात उनकी मंजूर नहीं है। लेकिन ताऊ रात तो हालात बहुत बदतर के चारों तरफ फोर, देखिए हमारे तो हालात कभी अच्छे होते और कभी बुरे, हमने डरने वाली बात नहीं है, एक किसान के 4 बेटे होते हैं, एक बेटा खेत में काम करता है, एक धरने पर आता है, एक बेटा सीमा पर रहता है, हमने सोची कुछ काम खेत का भी कर ले, हम खेत का काम करके और फिर खड़े हो गए, हमने कही बापा जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, किसानों ने आकर यहाँ हुंकार भर दी और उन्होंने हुंकार भरते ही वे खड़े हो गए। लेकिन इनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। अरे केस तो ये हमारा काम है, हो जान दे केस, कहा कि हमने ये जेल भेज देंगे, आ जाओ पकड़ लो यहाँ आके, केस के के है केस, ये तो रोज का काम है, एक केस मैंने बिजली का एक्शन पीटा और 21 साल मुकदमा चला, 21 साल मुकदमा चला, और जज सुबह ने कह भैया तू मेरी सिजाई कर दे, उनने कही अरे ताऊ जी मैं आपकी सिजा ना करूंगा, मैं सूरज के सामने होकर कह रहा हूँ, मैं उस आदमी ने 21 साल के अंदर बरी कर दिया, बरी मैंने एक ही बात कही थी 313 के बयान में, मगर जज साहब मान्य मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने 10 घंटे बिजली दिया, आप हमें 9 घंटे दे दो, हमारा झगड़ा 9 घंटे का है, उनने कही तुम्हारी बात वाजिब है और आपको मैं अपनी इकलास बरी करता हूँ, 21 साल में बरी करे हम, तो ये तो हमारा पड़े हो जाओ दर्द। क्या योगी सरकार का जो ऑर्डर था रात का कि ये खाली होना चाहिए वो फेल हो गया? अब देखो ये तो आपको दिख गया होगा, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, योगी के सब जितने भी काम हैं वे गलत हो रहे हैं और वे बेकारे काम हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने का क्या नाम है रेट भी आज 3 महीने रेट भी नहीं लिखा है, ऐसी सरकार का हम क्या नाम लें, हमारे आगे नाम लेना भी बहुत बढ़िया, उन्हीं योगी की सरकार के आदमी जो विधायक और क्या नाम है वे उसके कार्यकर्ता है हमारे किसानों पर हमला करने के लिए आए, बड़ी शर्म की बात है, ये बार बार कहना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन राज कटारिया साहब रोए थे, कैसे देखते चौधरी साहब के रोने को? ऐसा रोने की क्या, जिस टाइम पे इन्होंने आंसू निकाल ले हमने हंसी ट्वीट करके कही चौधरी साहब आपके एक आंसू पे 70 करोड़ आदमी किसान आपके पीछे है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसान का कारवा वहीं आ जाएगा और वहीं आपके सामने रहेगा, और सबसे पहले पानी लाने का काम करेंगे। तो कौन सा पानी आया है? पूरी मीडिया के सामने सिर पे उधर आ के नाम 15 किलो का के हो उस जग जो म्यूर जग, और 5 किलो आई लस्सी, एक लड़का लस्सी ले रहा, मेरा पोता लगा है छोटा सा, और उस पोते ने लस्सी लेकर, और हमने ठीक है साहब से कही मैं पहला पानी पियो, उसके गिलास में चौधरी साहब के पानी घाल के और गिलास में पानी पिलाया चौधरी साहब के लिए, तुमने ये पर पंचायत भी हो रही है सिसोली गाँव में, क्या रिजल्ट वो तो देखो सुनो इस बारे में मैं यूं नहीं कह सकता, वो तो तुम्हें समय बता देगा, कल मैं रात में ये दिख जाएगा कारवा क्या चीज है क्या नहीं है। किसान रात कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन होगा, ऐसा सुनिए हम जेल क्यों भरे हैं, हम कोई डकैत है, हम गुंडे हैं, हम 300 होके साथ के मुलजिम है तो कौन है, अमित शाह मीडिया तो गुंडे ही बता रही है आपको, 2 दिन सुनो मीडिया जैसा बताए जाओ उनके गुंडे हैं अमित शाह होंगे या ये नंद किशोर की
गुज्जर कौन है ये होंगे, हम ना है ऐसे गुंडे, ना हम गुंडे काम करते, रात कार्यकर्ता को जाकर और यहाँ जो उनने काम कराया बहुत बड़ी गलत भावना की बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए उन लोगों ने। कौन सा काम जो उन्होंने किसानों पर यहाँ के नाम हमले करवाए हैं, और वे ये हमले जो कर रहे हैं सरकार, मैंने अभी कही ये किसी की जागीर नहीं है, दादा की ना पोते की, ये तो के नाम है आनी जानी सरकार है। 5 साल में ना 10 मिनट जग ये तो तुझे दिख गया, सरकार भी झुकेगी और 22 में योगी भी चला जाएगा अपने मठ में, ये तो आपने दिख गई, इसमें भी कोई कसर खोर रह गई। सरकार झुकेगी, तीनों कानून वापिस लेगी और जो भी है इनके यहाँ एक तक हिसाब करके जाएंगे, इतने ऐसे नहीं जाएंगे। आप वोट नहीं दोगे बीजेपी को? अरे यार कोई बात भी है, तू बार बार यूं कहे जा, वाला यू तब लग सा छोरा यूं कर रहा, हम वोट दे देंगे मारे डंडे मारे पर बरस रहे, मारा किसान उन्होंने मार दिया, हम फिर भी वोट नहीं देंगे। जो भाजपा का आदमी झंडा लेकर आवेगा उसे गांव में भी नहीं घुसन दे, और उसे कह देगा जो रिश्तेदार है आप गेट आउट वापिस जाइए, ये कहेंगे बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए। और वो तो ये तो आपने दिख गई, इसमें मेरी क्या बताने की बात है, ऐसा है मारा पेट हंसू भर चुका है, अब उल्टी होने वाली है। हमने के नाम अब 2022 के चुनाव में इन्होंने सबक सिखाने का काम करेंगे, और उस आदमी ने अपनी माँ का चिच्ची का दूध नहीं पिया है जो यहाँ किसान लड़के सुन रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने गांव में या झंडे वाले आदमी को अपने यहाँ पने देंगे, चाहे रिश्तेदार भी हो कोई। लेकिन ताऊ आप भी लगातार 2 महीने से यहाँ आ रहे हैं और हम खूब आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लात जो किसान है वो कम क्यों हो गया, आखिर क्या वजह रही, रात बहुत कम किसान थे यहाँ पर ऐसा। फिर मैंने क्या कही यार बार बार में, क्या फायदा, किसान के 2 लड़के हैं, एक यहाँ रहेगा एक खेत का, अगर हम खेत में ना करेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे, वे भूखे मर जाएंगे, हमने थोड़ा खेत में गेहूं में पानी भी देना है वो काम करके। और देख आपने दिख गया 25 तारीख का 26 जनवरी का कारवा यहाँ भी दिख गया, और सुनो कारवा आपने दिख गया, और अब कर लो आपने फिर दिख जाएगा, और फिर यू धरना है चलता रहेगा अपना, हक का भी काम करना, हक का भी करना। आप झुकाओगे सरकार को? देखो हम तो सरकार को झुकाएंगे, बिल वापसी इतने नहीं होंगे, इतने हमारी घर वापसी नहीं होगी। 95 साल उम्र है, किसान एकता और किसान का बच्चा हूँ, और किसान ही रहूँगा, यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा दे के नहीं जाऊँगा। कब आए ताऊ किसानों के लिए? कब आए हो? अभी सुबह ही। सुबह आए हैं? हाँ सुबह ही आए। तो हालात बहुत खराब थे यहाँ है जी, रात तो बहुत हालात खराब थे यहाँ पर। हाँ जी हम सुबह ही आ लिए 6 बजे दिकोली गांव से बाग पर। किसी ने कहा था आपसे यहाँ आने के लिए? नहीं नहीं टेलीविजन देख करके फोन देख करके पूरे भारी 60 गाड़ियाँ आई हुई हैं। जो रात हुआ है वो गलत हुआ है? जो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और इसे हम सहन नहीं कर सकते, और यहाँ से जब जाएंगे इस किसानों के लिए अपनी जान कुर्बान करके जाएंगे। लेकिन रात तो सरकार हटाने आई थी आंदोलन, सरकार को कभी भी इसका कोई काबू सरकार किसान पर नहीं पा सकती, बिल्कुल नहीं पा सकती। ये किसान एक ऐसी कौम है के अन्नदाता है, इसके बगैर देश चलेगा कैसे, बगैर किसान अन्नदाता के बगैर कैसे इस मंच पे, या इसके लिए किसान अपनी जान पर तुले हुए हैं। मोदी को भागना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। बाबा कभी पानी बंद कर दे, कभी पानी कभी बिजली, इससे कोई प्रभाव नहीं, बिजली भी हमारी है, हम भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, भारत के ऊपर हम कुर्बान हो जाएंगे। हेलो कुर्बान हर चीज हमारे से ही पैदा होती है, जमीन पर पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर अन्नदाता ही सबकी पूर्ति करता है, जीव जंतु और इंसान पशु सबकी पेट पूजा एक पेट
पूजा अंडाटाई करता है। किसान के बगैर कैसे जिंदा रह सकता है ये हिंदुस्तान। जी ठीक है।